योगी सरकार के लाख दावे व वादे करने के बाद भी नहीं सुरक्षित हैं महिलाएं व बेटियां। जहां एक तरफ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा सरकार लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्यूशन पढ़ने जा रही नाबालिग छात्रा का बीच रास्ते से ही अपहरण कर लिया जाता है। फोर व्हीलर गाड़ी से अपहरण करने के बाद 11 दिन बाद भी नहीं लग रहा है कोई सुराग। खानापूर्ति में लगी है पुलिस, जबकि आरोपी चैटिंग करके पीड़ित परिजनों को भेज रहा है अश्लील वीडियो, फोटो कर रहा है वायरल। परिजनों की सरेआम हो रही है बेइज्जती, जिसको लेकर परिजन हर तरह से निराश हो चुके हैं, जिनकी फरियाद भी सुनने वाला शायद कोई नहीं है। आपको बताते चलें, यूपी के सीतापुर थाना सदरपुर के जहांगीराबाद गांव का मामला, जहां 9 दिसंबर को नाबालिग छात्रा ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, तभी कुछ बदमाशों ने उसे रास्ते से फोर व्हीलर गाड़ी से अपहरण करके लेकर चले गए, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। 11 दिन बीत जाने के बाद भी जहां परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं आरोपी दे रहे हैं ऐलानिया धमकी व छात्रा के अश्लील वीडियो बनाकर परिवार और रिश्तेदारों को भेज रहे हैं, जिसके चलते परिजनों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और रिश्तेदारों में बेइंतहा बेइज्जती हो रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि आरोपी लड़का अम्मार मौजूदा प्रधान का भतीजा है और प्रधान कर रहे हैं अपने लड़के की मदद। घटना के 6-7 दिन हो चुके हैं, इनके बाद FIR भी दर्ज हुई। जब से उसने FIR दर्ज होने के बाद से वो बेटी के अश्लील वीडियोस बना रहा है, फोटोज खींच रहा है, अपलोड करके जहां पर उसकी इंगेजमेंट की गई थी वो वहां पर भी भेज रहा है, पूरे क्षेत्र में भेज रहा है, यहां तक कि सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है। वो जिस तरीके से मेंटल हरेसमेंट कर रहा है, इससे तो यही लगता है कि वो हम लोगों को जीने और मरने लायक भी नहीं छोड़ेगा। पूरे परिवारीजन इतने सदमे में है कि वो घर से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है। मैं अपने पुलिस अधिकारियों से सब यही निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करके दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ के मेरी बेटी को बरामद करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये आपके क्या पूरा मामला है सर? हमारी लड़की 9 तारीख को कोचिंग जा रही थी, 6:30 बजे की उसकी क्लासेस है। उसी 6 बजे की क्लासेस में सर उसको रास्ते से अगवा करा गया। जब लेट हुआ तो हमने ये सोचा कि सर हमारी लड़की शायद हो सकता है आज क्लास लेट हुई इस वजह से नहीं आई है। जब काफ़ी लेट हुआ तो उसको मैंने सब कहीं ढूंढने के बाद मुझे ये इत्तला मिली कि वीगो गाड़ी में लड़का अम्मार, जो कि प्रधान के भाई का लड़का है, वो उसे अगवा करके ले गया है, अपहरण किया उसका। इस वजह से सर मैंने FIR दर्ज कराई है, लेकिन FIR पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। पुलिस आती है, आके चली जाती है टेलीफोन पे वार्निंग देके, लेकिन उस पर मामला आगे बढ़ नहीं रहा, डिले हो रहा है। उस पर प्रधान का दबाव है कि क्या है सर, मुझे ये नहीं पता है। मैं ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस पर पुलिस कार्रवाई करे और हमारी लड़की को हमारे बरामद करे और उन लोगों को सजा दिलवाए। हमें जो भी चीज़ें हैं इसमें, वो हम चाहते हैं कार्रवाई जल्दी से जल्द हो। आपका नाम? जी मेरा नाम गुलशन है, मैं लड़की की माँ हूँ। सदर थाना क्षेत्र में एक परिवार की बच्ची पिछले 9 तारीख से गायब है और गायब करने वाले भी उसी ही परिवार से लोग हैं, जो एक प्राइवेट गाड़ी से मूव कर रहे हैं। हम लोग लगातार उनके पीछे लगे हुए हैं। पिछले 2 दिन से उनका लोकेशन राजस्थान में आ रहा है, हमारी टीम लगी हुई है, जैसे ही कहीं ठीक से ट्रैक होंगे हम लोग उनको ले आएंगे। बच्ची बताई जा रही है कि नाबालिग है और ड्राइवर भी गाड़ी के साथ गया है, जो यहीं का रहने वाला है, उनकी अपनी प्राइवेट गाड़ी से ही ले गए हैं। जांच की जा रही है, जल्दी इसकी बरामदगी और गिरफ्तारी की जाएगी।